दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जेलस डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है जेलस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईर्ष्यालु, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से उनके किसी भी कारण से या दूसरों की चीज़ों से जलता है उसको जेलस कहा जाता है, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द जेलस डोंकी मतलब कि ईर्ष्यालु, मतलब कि ईर्ष्या करने वाला गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ सोल्जर हैड अ होर्स एंड अ डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और ये पास्ट का पजेसिव है जहां हम पास्ट में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव सेंटेंस कहलाता है, जहां पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। वंस, एक बार, अ सोल्जर मतलब एक सिपाही, हैड अ होर्स एंड अ डोंकी मतलब एक सिपाही के पास एक घोड़ा और गधा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ सोल्जर हैड अ होर्स एंड अ डोंकी मतलब एक बार एक सिपाही के पास एक घोड़ा और गधा एक घोड़ा और एक गधा था। ही यूज्ड द होर्स इन द बैटल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, और ये सेकेंड फॉर्म है यूज्ड। क्या मतलब हुआ? ही मतलब वह है, यूज्ड इस्तेमाल करता था द होर्स घोड़े का इन द बैटल्स। बैटल का मतलब होता है युद्ध, और ये इसका प्लूरल नाउन है बैटल्स मतलब कि युद्धों में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही यूज्ड द होर्स इन द बैटल्स मतलब वह घोड़े का इस्तेमाल युद्धों में किया करता था, मतलब कि युद्धों में या कह सकते हैं लड़ाइयों में घोड़े का इस्तेमाल किया करता था। एंड ही यूज्ड द डोंकी टू कैरी लोड्स ऑफ गुड्स when there was no war so as to earn some money। क्या मतलब हुआ? एंड मतलब कि और, ही यूज्ड द डोंकी मतलब वह गधे का इस्तेमाल करता था, गधे का इस्तेमाल करता था किस चीज़ के लिए? टू कैरी, कैरी मतलब ढोना, ढोने के लिए लोड्स वजन को, ऑफ गुड्स सामानों के वजन को। when जब, there was no war जब मतलब कोई भी युद्ध नहीं होता था, सो इसलिए, as to earn some money मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह गधे का इस्तेमाल किया करता था सामानों के बोझ को ढोने के लिए। when there was no war मतलब जब कोई युद्ध नहीं होता था, so as to earn some money मतलब कुछ पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक सिपाही था जिसके पास एक घोड़ा था और एक गधा था, और वह घोड़े का इस्तेमाल युद्धों में, लड़ाइयों में किया करता था, और गधे का इस्तेमाल वो सामान के वज़न को ढोने में किया करता था जब कोई युद्ध नहीं होता था, कोई लड़ाई नहीं होती थी, कुछ पैसों को कमाने के लिए। चलिए आगे देखिए। द डोंकी वॉज जेलस ऑफ द होर्स एज ही थॉट दैट द होर्स हैड एन ईजी लाइफ वेयर एज ही हैड टू वर्क हार्ड। क्या मतलब हुआ? द डोंकी वॉज जेलस ऑफ द हॉर्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जो गधा था, वॉज जेलस ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से जला करता था, मतलब उसके प्रति वो ईर्ष्यालु था।
एज जैसे कि ही थॉट उस वह सोचता था, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य ही थॉट वो सोचता था दैट कि द हॉर्स हैड एन ईजी लाइफ, वो क्या सोचता था कि जो घोड़ा है उसका एक बहुत ही आसान जीवन है, उसकी जो ज़िंदगी है बहुत आसान है। वेयर एज जबकि ही हैड टू वर्क हार्ड, उसे काम करना पड़ता था। और दोस्तों इस वाक्य में हैड टू का प्रयोग किया गया है। हैड टू का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम किसी विवशता के कारण करना पड़ता था। और ये जो वर्क हार्ड है ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। वर्ब वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि वो जो गधा था वो घोड़े के प्रति ईर्ष्यालु था, मतलब कि वो घोड़े से जलता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था, वो सोचता था कि जो घोड़ा है उसकी जो ज़िंदगी है उसका जो जीवन है बहुत आसान है। जबकि ही हैड टू वर्क हार्ड, जबकि उसे मेहनत करनी पड़ती थी। किसे मेहनत करनी पड़ती थी? गधे को। चलिए आगे देखिए। वन डे द न्यूज़ ऑफ वॉर केम, क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन द न्यूज़ ऑफ वॉर केम, और ये कम की सेकेंड फॉर्म में केम। न्यूज़ का मतलब है खबर, द न्यूज़ ऑफ वॉर मतलब कि द न्यूज़ ऑफ वॉर केम मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि युद्ध की खबर आई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे द न्यूज़ ऑफ वॉर केम मतलब एक दिन युद्ध की खबर आई। द डोंकी फेल्ट वेरी हैप्पी, दोस्तों ये फील की सेकेंड फॉर्म है और ये भी हमारा अफर्मेटिव का वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। फील का मतलब होता है महसूस करना और ये सेकेंड फॉर्म है। द डोंकी फेल्ट वेरी हैप्पी, जो गधा था उसे बहुत खुशी महसूस हुई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट्स और दैट्स का मतलब है दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़, मतलब ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही मतलब कि अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है। द हॉर्स विल गो टू द बैटल ग्राउंड एंड आई विल बी फ्री हेयर, क्या मतलब हुआ? उसने क्या सोचा कि बहुत अच्छी खबर है। द हॉर्स विल गो टू द बैटल ग्राउंड का मतलब होता है युद्ध का क्षेत्र, रणभूमि जिसको हम कह सकते हैं उसे बैटल ग्राउंड क्या कहा जाता है। तो उसने क्या सोचा कि ये बहुत अच्छी खबर है कि जो घोड़ा है विल गो टू द बैटल ग्राउंड, वो अब युद्ध के क्षेत्र में जाएगा, मतलब कि रणभूमि में जाएगा। एंड आई विल बी फ्री, और मैं फ्री रहूँगा मतलब कि मैं आज़ाद रहूँगा हेयर, यहाँ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जब जो लड़ाई की या कह सकते हैं युद्ध की खबर आई तो जो डोंकी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि ये बहुत अच्छी खबर है कि अब जो घोड़ा है वो रणभूमि में जाएगा, एंड आई विल बी फ्री हेयर, और मैं यहाँ पर आज़ाद रहूँगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द डोंकी टीज्ड द हॉर्स, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, TEASE, टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, और ये सेकेंड फॉर्म है टीज्ड, इसका मतलब चिढ़ाना या फिर छेड़ना, और आप इसके सेकेंड फॉर्म को भी नोट कर लीजिए टीज्ड। सो इसलिए द डोंकी टीज्ड द हॉर्स, इसलिए जो डोंकी था मतलब जो गधा था उसने घोड़े को चिढ़ाया। बट सून मतलब कि जल्दी ही अ मैसेज वॉज रिसीव्ड, क्या मतलब हुआ कि सून मतलब जल्दी ही अ मैसेज वॉज रिसीव्ड, एक जो मैसेज था जो संदेश था वॉज रिसीव्ड, उसे रिसीव किया गया, मतलब एक संदेश मिला दैट की, और वो क्या संदेश था? अ ट्रीटी वॉज साइंड, दोस्तों ट्रीटी का मतलब होता है किसी तरह की संधि या फिर समझौता, और साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, और ये इसकी सेकेंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। इसका मतलब अच्छे से दोबारा से आप समझ लीजिए। सो द डोंकी टीज द हॉर्स, इसलिए जो गधा था उसने घोड़े को चिढ़ाया। बट सून अ मैसेज वॉज रिसीव्ड, लेकिन जल्दी ही एक जो संदेश था वो मिला, संदेश मिला प्राप्त हुआ, और वो क्या संदेश था कि दैट अ ट्रीटी वॉज साइंड, कि एक जो संधि थी या समझौता था वो साइंड, उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं किए गए। एंड नो वॉर टुक प्लेस, और ये टेक प्लेस की सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है घटित होना। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, टेक प्लेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घटित होना, और ये सेकेंड फॉर्म है टुक प्लेस। एंड नो वॉर टुक प्लेस, और कोई भी युद्ध या कह सकते हैं कोई भी लड़ाई या कोई भी युद्ध नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी इसको समझिए आगे होगी कि जो जब गधे को ये खबर मिली कि भाई
जो लड़ाई है वो शुरू होगी, उसे काफ़ी खुशी मिली, उसे लगा कि अब वो आज़ाद हो जाएगा और जो घोड़ा है वो रणभूमि में जाएगा। लेकिन जल्द ही एक मैसेज मिला, एक संदेश प्राप्त हुआ कि जो एक तरह का जो समझौता है, जो संधि है, उसे साइन कर लिया गया, उस पर हस्ताक्षर कर लिए गए और किसी भी और कोई भी लड़ाई नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ। सो इसलिए द सोल्जर सेंट द डोंकी टू कैरी लोड्स। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये सेंड की सेकेंड फॉर्म है। आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं, SEND, सेंड का मतलब होता है भेजना और ये इसकी सेकेंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सो इसलिए द सोल्जर सेंट द डोंकी टू कैरी लोड्स, इसलिए सिपाही ने, उस सिपाही ने, सैनिक ने गधे को भेज दिया किस चीज़ के लिए? टू कैरी लोड्स, वजन को ढोने के लिए। हैंस इस प्रकार द डोंकी गॉट अ लेसन, इस प्रकार हैंस मतलब इस लिया कैसे था? इस प्रकार द डोंकी गॉट ए लेसन, जो गधे था उसे एक सबक मिल गया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊं, साथ में हर जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो के बारे में और किसी भी तरह का आपके पास सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आज के इस वीडियो में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर को आपने कोई भी सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से उसे ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।